डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर अगली चीज़ ले रहे हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेते हैं। देखें, सहज एंड प्रचेतन आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर रुपीज 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड ऑल्सो कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है पहले हमने। तो देखिए कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, नॉर्मल कैसे जैसे निकलता है इंटरेस्ट, नॉर्मली वही इंटरेस्ट, वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। तो सहज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सहज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, वही फार्मूला जो PRT का होता है, PRT अपॉन 100। तो सहज की कैपिटल ऊपर दी हुई है 5 लाख रुपीज़, और इंटरेस्ट की रेट है इस क्वेश्चन में 10%। ठीक, एक साल का इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो 5 लाख का 10% की रेट से ये 50,000 इंटरेस्ट हो गया। सेम टू सेम प्रचेतन का निकाले तो भी ऐसा ही आएगा। तो ये प्रचेतन का इंटरेस्ट इन कैपिटल आ गया 40,000 रुपीज़, 4 लाख का 10%, ऐसे निकलेगा इंटरेस्ट इन कैपिटल। ये एक नॉर्मल केस लिया जहाँ पे बिगिनिंग की कैपिटल दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा विड्रॉ हुआ हो या इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब इसमें कैपिटल रेशो भी पूछा है तो वो भी देख लेते हैं। तो कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे, कैपिटल रेशो निकलेगा, कैपिटल रेशो ऑफ सहज एंड प्रचेतन तो कैसे निकलेगा। तो उनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीस एंड इस टू उसकी कैपिटल हो जाएगी 4 लाख रुपीस, दोनों की कैपिटल दी है, यही इनका कैपिटल रेशियो हो गया। दोनों में से 5-5 0 कट हो जाएंगे तो बाकी बचेगा 5 और 4, तो रेशियो बन जाएगा 5:4, 5-5 0 दोनों में हटा दिए। उसके अब ये 5 और 4 किसी एक टेबल में आता ही नहीं, तो कट नहीं सकता, तो यही इसका फाइनल रेशियो हो गया। तो अगर एक ही बार कैपिटल लगाइए, उसके बाद में कुछ ड्यूरिंग दी ईयर कोई कैपिटल ना आया ना गया, और सेम टाइम पे कैपिटल लगाइए दोनों ने, तो ऐसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशियो। अब अगर कैपिटल ड्यूरिंग दी ईयर चेंज हुई हो तो कैसे निकलेगा, तो ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।